देखो अपन कर रहे थे चैप्टर नंबर 27। क्या क्या कर लिया था? रक्त, विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण, स्वरूप कर लिया मतलब लक्षण, रक्त दुष्टि के लक्षण, फिर है रक्तज रोग, शिरावेदन, अयोग्य रोगी, और अपन करेंगे अब शिरावेदन विधि कि भाई वही पूर्व कर्म किस तरीके से करना है। तो पूर्व कर्म क्या है? रोगी का स्नेहन सेवेदन करो। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि स्नेहन और सेवेदन। अब स्नेहन वाला चैप्टर पूरा पढ़ा अपन ने, स्वेदन वाला अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा 16 और 17। स्निग्ध रसयुक्त अन्न यवागुवादि, मतलब चिकनाई युक्त स्निग्ध रसयुक्त उसको अन्न खिलाओ। कौन सा? जैसे यवागु खिला दो, एकदम यूस पिला दो उसको, ठीक है। अग्नि या धूप से स्वेदन करें, मतलब स्वेदन करना तो अग्नि की सहायता ले सकते हैं या धूप का, में धूप में भी थोड़ी देर उसको बैठा सकते हैं। केशान तो पर मृदु वस्त्र बांधे, जो अपने बाल है ना उन पर मतलब एक कपड़ा बांध दे, उसके मुट्ठी में वस्त्र दबाएं, उसकी मुट्ठी में एक मतलब बोलते हैं ना जैसे कोई ब्लड डोनेशन करता है तो अपन एक रबर की बोल देते हैं ना उसको, ये बच्चा ले बेटा रबर की बोल ले हाथ में, देते हैं कि नहीं देते? तो ये बोल रहा है कि मुट्ठी में वस्त्र दबाएं, कहने का मीनिंग है कि कपड़े की बोल या कपड़े की गेंद या फिर मतलब एक गेंद जो रबड़ की हो या आसानी से दब जाए मुलायम से उसके हाथ में पकड़ा दें। मन्या को दबाएं, मन्या क्या होती है? एक तरीके से अपनी गर्दन में जो आर्टरी होती है ना कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड वेन, उसको मन्या बोलते हैं, कैरोटिड वेन को मन्या बोलते हैं, उसको दबाएं। दांतों को दबाएं, काश और आद्यमान करें, कहने का मीनिंग ये है कि उसके दांत एकदम ऐसे होना, जब अपन शिरावेदन करेंगे दर्द होगा तो दांत को एकदम प्रेशर पड़ेगा, तो दांतों को दबाएं। काश उसके कोई खांसी फांसी आ रही है तो पहले कर ले भाई खांस ले, ताकि एकदम जोर ना पड़े शरीर को। और आद्यमान करें, एक तरीके से पेट को थोड़ा सा फुलाएं, ऐसा ये बता रहा है, ठीक है, ये आद्यमान करें। अब ये ऐसा क्यों बताया तो मुझे भी नहीं पता कि भाई क्यों बताया, लेकिन ये बताए हुए, कहने का मीनिंग ये है कि जब व्यक्ति को जब शिरावेदन करते हैं ना तो उसका एक मतलब माइंड पे प्रेशर पड़ता है, जैसे अपन ने बोला ना कि भाई मुट्ठी में अपन को वस्त्र दे रहे हैं, तो क्या है जब भी उसको ऐसा प्रेशर लगे तो उसको मतलब हाथ में उसके जो प्रेशर है ना वहाँ उस कपड़े पर जाए, तो वही है दांतों को दबाएं, खास करें और आद्यमान करें, मतलब एक तरीके से एडजस्ट कर ले पूरी बॉडी को, अपने आप को तैयार कर ले। अब देखो प्रदान क्रम, अस्थियों पर शिरावेदन करने के लिए कुठारी का यंत्र प्रयोग करें, यवार्थ, देखो यहाँ पे है यवार्थ, यवार्थ यानी यव यानी जौ, यव आर्द मतलब आधा जौ आधा यव प्रमाण तक वेदन करें। अगर मान लो बोन में से आपको खून निकालना है तो कुठारी यंत्र बताया, कुठारी का यंत्र एक होता है तिकोणा यंत्र होता है एक तरीके से, उसका प्रयोग करना है। अगर आपको मतलब अस्थि में से बोन में से खून निकालना है और उसमें क्या है कि यव आर्द मतलब कितना घुसाना अंदर, आधा जौ के आकार के बराबर, यव आर्द आधा यव प्रमाण तक वेदन करें, मतलब आधा जो इतना उसमें अस्थि में बोन में उसको अंदर प्रवेश कराएं। शेष सभी स्थानों पर व्रीहि मुख शस्त्र का प्रयोग करो, शेष सभी बॉडी अपनी जगह अस्थियों के अलावा कहीं भी आप उसको यूज करना चाहते हो तो व्रीहि मुख का शस्त्र का प्रयोग करने। अधिक मासल स्थानों पर यव के मात्र प्रमाण में तथा कम मासल स्थानों पर यव आधार प्रमाण तक घेरा वेदन करें। ये बोल रहा है कि जो जौ होता है ना कि अधिक मासल स्थान जहाँ मांस ज़्यादा है, ठीक है, फैट जमा हुआ है, तो उसमें यव मात्रा में मतलब जौ की मात्रा में करना चाहिए, और कम मांसल स्थानों पे आधा यव आधार, मतलब कहने का मीनिंग है कि जहाँ पे मांस कम है वहाँ पे आधे जौ के समान, और जहाँ पे मांस ज़्यादा है वहाँ पे पूरे जौ के समान आपको वेदन करना चाहिए, इतना उसमें अंदर उस यंत्र को प्रवेश करना चाहिए। अब है रोग अनुसार सिरा वेदन कि कौन कौन से रोग में कहाँ कहाँ पे सिरा कर सकते हैं, ये प्रदान क्रम में बताया। हाँ प्रति डाबी बोलो सर, ये मुट्ठी में वस्त्र दबाए एक बार और बता दीजिए, मतलब मुट्ठी में अपन जैसे अपन कोई ब्लड डोनेशन किया कभी आपने तो एक गेंद देते हैं ना हाथ में पकड़ाने के लिए कि ले बेटा गेंद पकड़ ले हाथ में, तो वही है मुट्ठी में मतलब जब आपके हाथ में प्रेशर पड़ेगा जैसे आपको दर्द सा होगा जैसे एकदम मुट्ठियाँ ऊपर ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, तो ताकि ताकि उस कपड़े पे जोर पड़े, आपकी बोन्स को आपकी शरीर को जोर नहीं पड़े कपड़े पे जोर पड़े, तो ये कपड़े का ही रूपांतरण किया है। आजकल वो बोल देते हैं ना अपने डोनेशन करने जाते हैं खून पर जब बोल देते हैं हाथ में, तो ये कपड़े का ही रूपांतर है वो, ठीक है। अब देखो रोग अनुसार शिरावेदन सब आयुर्वेदा से लिया गया है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो अलग से आया हो, सब आयुर्वेदा से उसका रूपांतरण कर दिया बस। अब इसमें देखो अब था रोग अनुसार शिरावेदन, इसमें देखो ये श्लोक है, श्लोक का कोई काम नहीं है, तो रोग क्या है? सिर व नेत्र रोग। क्वेश्चन आता है सिर व नेत्र रोग में कहाँ पर वेदन करना चाहिए, अगर मान लो आपके सिर में और आँखों में मान लो कोई परेशानी है मतलब रक्त व्याधि है तो आप कहाँ पर वेदन करोगे? ललाट की सिरा फोर हेड की सिरा पे, नेत्र व नासिका के पास की सिरा का वेदन करें। नेत्र और नासिका जो अपनी आँख और नाक है ना उसके पास में कोई सिरा होगी आपको दिख रही होगी तो वहाँ पे आपको वेदन करना है।
कर्ण रोग में कर्ण के पास की शिरा का, अगर कान में आपको कोई रोग है रक्तज रोग है तो कान के पास की शिरा जब कान को सप्लाई करती है ना ब्लड, उससे वेन का आपको क्या करना है, वेदन करना है। नासा रोग में अगर नाक से संबंधित कोई रोग है तो नासा के अग्रभाग टिप की शिरा का वेदन करें। पीनस रोग मतलब जुकाम हो रही है तो नाक और ललाट के मध्य स्थित शिरा का, जो अपना ललाट ना फोरहेड और उसके मध्य में कहीं पे नाक और ललाट के मध्य में जो भी शिरा दिखे आपको वहाँ पे आपको मतलब एक तरीके से आपको सप्लाई याद होनी चाहिए, पूरा वेन सिस्टम आपको याद होना चाहिए मॉडर्न के अनुसार। यहाँ पे मॉडर्न की हेल्प लीजिए ना, अभी यहाँ पे तो बताया कि भाई यहाँ की करो आप कैसा पता लगेगा, तो पूरे मॉडर्न का हेल्प लीजिए। तो मॉडर्न कहीं आयुर्वेदा का हेल्प ले रहा है, कहीं आप आयुर्वेदा मतलब आप मॉडर्न का हेल्प लीजिए, तो इस तरीके से आप समझो। क्योंकि अब तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन पता है कि कहाँ से कौन सी वेन जा रही है, कौन सी आर्टरी जा रही है, सब पता है आपको। मुख रोग में जिव्या होठ ठोड़ी आलू तालू की शिरा का वेदन करें, ये बताया गया है कि स्पेसिफिक रोग में। तो आपको कौन कौन सा याद करना है इसमें, एक तो ये याद करना है सिर व नेत्र कर्ण रोग, ठीक है इंपॉर्टेंट है। फिर है मुख रोग में, फिर है ऊर्ध्व चतुर्गत रोग में कर्दन कान शंख 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 में बताया था ना एक तरीके से मैंने बताया था जो अपन कनप्टी बोलते हैं ना इसको कंठ शंख वही है, जैसे अपन ने एनाटॉमी पूछा था वैसे शंख क्या होता है, उस समय मैंने क्या बता दिया था फोरहेड को बता दिया शंख, लेकिन वो गलत बता दिया था मैंने। फिर मैंने बच्चे को तुरंत ही उसी क्लास में बता दिया था कि शंख यानी अपने जो कनप्टी बोलते हैं ना उसको शंख बोलते हैं। सिर की रेखा का वेदन करें, ये ऊर्ध्वचतुर मतलब एक तरीके से ऊपर ऊपर वाले पार्टों को बताया। फिर है नीचे इनमें से अपस्मार रोग का इंपॉर्टेंट है, उन्माद रोग में छाती आँख का कोण ललाट के स्थित शिरा का वेदन करें। ये जगह बताई है आपको, बस ये चीज़ें सभी नहीं पढ़ सकते सभी याद नहीं कर सकते, लेकिन मैं बताऊंगा लास्ट में कौन सी आपको याद करनी है। अब देखते हैं एक बार पढ़ लेते हैं, अपस्मार में हनु प्रदेश और भौहों के मध्य की शिरा का वर्धन करें। विदर्धीय पार्श्वल में पसलियाँ कक्षा और स्तन की मध्य की शिरा का वेदन करें। तृतीयक ज्वर, अब मैंने बताया था ना कि बुखार का लिए बोला है, चतुर्थक ज्वर तृतीयक ज्वर इनके लिए बोला है, लेकिन प्रवर्ध ज्वर मतलब बहुत पुराना हो गया ठीक नहीं हो रहा उसमें मना किया है। तो तृतीयक ज्वर में कंधों के मध्य की शिरा का वेदन करें। चतुर्थक ज्वर में अब ये टाइप्स हैं ज्वर के, आप ज्वर चैप्टर पढ़ोगे ना सेकंड ईयर में, टाइप्स हैं तृतीयक ज्वर चतुर्थक ज्वर। दोनों स्कंध संधियों के नीचे की शिरा का वेदन करें। प्रवाहिका रोग डिसेंट्री में श्रोणी के दोनों अंगुल नीचे शिरा का वेदन करें। शुक्र व शीशन रोग शीशन की शिरा का वेदन करें। गलगन रोग उरुमूलगत शिरा का वेदन करें, उरुमूलगत शिरा का वेदन करें। कहने का मीनिंग है कि इसमें से ओनली अपस्मार का याद रखना है, ये अपस्मार वाला, ठीक है। अभी नीचे आ जाए, ये ग्रेडेंसी इंपॉर्टेंट है, अपची इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले कि ग्रेडेंसी रोग जानु संधि के चार उंगल नीचे ऊपर की सिरा का वेदन करें। जानु संधि मतलब नी जॉइंट के चार उंगल नीचे या ऊपर, और अपची में क्या होता है इंद्रवस्ति मर्म के दो अंगुल नीचे की सिरा का वेदन करें। तो ये अब इंद्रवस्ति क्या है, ये मर्म है, 107 मर्म पढ़े होंगे आपने एनाटोमी में, ये इंद्रमस्ति छिप्र मर्म 107 मर्म नाम आपने दिया, श्रृंगाटक मर्म शंख मर्म आज्ञा मर्म ये सब कितने क्या है, हृदय वस्ति क्या है, मर्म है। तो इन मर्मों के नाम आपको जगह लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इतना, देखो मुझे भी याद नहीं है सीधी सी बात, ऑथेंटिक जानकारी दो तो मुझे भी इतना याद नहीं क्योंकि रट नहीं सकते अपन हर चीज़ को, लेकिन अपन एग्जाम की दृष्टि से ये सकता है कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, जैसे अपची रोग ग्रद्धिश रोग अपस्मार रोग और इधर ये सिर वाला रोग और कर्ण रोग। फिर एक और आता है इधर विश्वची रोग पेन इन रिस्ट में, तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पांच इंपॉर्टेंट है ये। ग्रदन सिंह के समान जानु अस्थि के चार उंगल नीचे या ऊपर सिरा का वेदन करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, तो ये चीज़ें मतलब आचार्य ने बताई है ऑथेंटिक है, तो आपको बस ये मतलब एग्जाम में तो इतनी नहीं आती डीप में नहीं आती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि हाँ अगर ऐसी चीज़ें आएँ तो आपके पास सारणी होनी चाहिए। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि डैशबोर्ड होता है जब टेबल होती है वहाँ उस ऐसी चीज़ों को लिखा रखा रहता है, और फिर जब आप प्रैक्टिस करते हो ना बार बार तो ये ऑटोमेटिक हैबिट में आ जाती हैं। जैसे अपन ने केमिस्ट्री में जब जैसे आप सेकंड ईयर में लेटिन नाम है जैसे, और अपन ने जब केमिस्ट्री में बोला ना परमाणु क्रमांक परमाणु भार द्रव्यमान संख्या को याद किए थे ट्वेल्थ में, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो गए क्योंकि बार बार यूज हो रहे थे ना। वैसे ही अब ये है, ये रोग है ना क्या होंगे आपको, तो बार बार चिकित्सक बन जाओगे ना तो बार बार यूज होंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएंगे। ये टीचर भी समझते हैं, बुक बनाने वाले भी समझते हैं कि भाई इतनी चीज़ें याद नहीं सकती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं पीछे को वो जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब देखो पश्चातक्रम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कि भाई आपने रोगों के अनुसार जैसा रोग था उसके अनुसार आपने वो कर लिया। अब क्या कि वेदन करने से पहले अशुद्ध रक्त निकलता है, वेदन करने पर पहले अशुद्ध रक्त निकलता है फिर शुद्ध रक्त। जिस प्रकार कुसुम्भ प्रस्थ से पहले पीले रंग का आता है
फिर लाल रंग का हो जाता है। ये बोल रहा है कि वेदन करने पर पहले अशुद्ध रक्त निकलता है। आप किसी भी ऑर्गन का किसी भी रोग के अनुसार आप मान लो वेदन करोगे, पंचरिंग करोगे, तो सबसे पहले बॉडी किसको त्यागती है, जो गंदगी है उसको त्यागेगी, तो अशुद्ध रक्त पहले बाहर निकलेगा फिर शुद्ध रक्त आने लगेगा। कुसुम प्रस्थ से पहले पीले रंग का आता है फिर लाल रंग का हो जाता है। कहने का मतलब कि पहला पीलापन लिया, मतलब एक तरह से मटमेला काला ऐसा कलर आता है बाहर, फिर लास्ट में जब शुद्ध रक्त आने लग जाता है ना तब लाल हो जाता है। तो आप समझ जाओ कि अब शुद्ध रक्त आने लग गया, बंद कर दो। अधिक से अधिक एक प्रस्थ परिमाण में रक्तस्राव करें, मतलब कहने का मीनिंग है कि किसी का अगर ब्लड स्राव, आपको किसी का रक्त निकालना है, श्रावण भी कराना है, तो कितना, एक प्रस्थ बराबर 13.5 पल। अब एक पल में कितना होता है, 48 ml या ग्राम, तो लगा लो 48 गुना कितना हो जाता है, 48 गुना 13 650 के लगभग होता है ना, तो ml 650 ml के लगभग आपको इतना ही निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं निकालना। इससे कम तो चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा मत निकालना कभी एक साथ में। कहने का मीनिंग है कि एक दो यूनिट से ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो एक व्यक्ति से, क्योंकि एक यूनिट में 300 ml होता है ना, तो उसमें दो यूनिट निकाल सकते हो एक व्यक्ति से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा मत निकालो। ये ऐसा बोलना चाहिए आचार्य सुश्रुत ने पहले ही बता दिया कि आप बस 13.5 पल, मतलब एक पल बराबर 48 ग्राम, तो आप इतना ही निकालो। सम्यक विद, अतिविद, हीनवद और दुर्विद का विचार करें। कहने का मीनिंग ये है कि सम्यक विद भाई ठीक ठाक हुआ कि नहीं, जो वेदन किया है जो ठीक ठाक हुआ। अतिविद, अतिविद का मीनिंग है, अतिविद का मीनिंग कोई ज़्यादा तो नहीं कर दिया, ज़्यादा ज़्यादा पंचरिंग तो नहीं कर दिया अपन ने। हीनविद, हीनविद का मीनिंग क्या है कि भाई कम हुआ हो, जितना अपन को करना चाहिए तो उतना नहीं हुआ हो। दुर्विद मतलब गलत जगह, गलत दिशा, गलत साइड से, गलत तरीके से, ठीक है, उस पर विचार करना चाहिए कि ठीक ठाक किया है, गलत किया है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या फिर गलत हो गया। तो चार चीज़ें बात होती हैं। अब सम्यक विद में धारा के रूप में रक्त बहता है। अगर आप ठीक ठाक करोगे, सही ढंग से पंचर करोगे उस चीज़ को, बिल्कुल धारा के रूप में, जैसे किसी टंकी में अपन छेद करते थे ना पानी की टंकी में, तो एकदम फ्लो में आता है पानी बाहर, उसे अगर ठीक तरीके से आप करोगे तो धारा के रूप में रक्त बाहर निकलेगा। यंत्र के छोड़ देने पर रक्त बहना बंद कर देता, और आपने जैसे ही उस चीज़ से वहाँ से अपना यंत्र, मतलब जैसे जिससे पंचर किया था ना, उसको हटाओ, थक्का जम जाएगा, बंद हो जाएगा। कहने का मतलब सम्यक विद एक तरीके से नॉर्मल हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है, जैसा आप करना चाहते हो वैसा का वैसा हुआ है। अल्पविद, अगर मान लो जितना आप करना चाहते हो उतना नहीं हुआ, पंचरिंग कम हुई, तो क्या होगा, अल्प मात्रा में रक्त निकलेगा, मतलब थोड़े थोड़े रूप में कम कम निकलेगा, एक तरीके से धारा के रूप में नहीं निकलेगा, रुक रुक कर निकलेगा। अब है दुर्विद, मतलब दुर्विद का मीनिंग क्या है, एक तरीके से बेकार, तेल की बूंदों के समान रक्त निकलता है। तेल की बूंद कैसी होती हैं, मोटाई वाली एक तरीके से, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने दुष्ट वेद के 20 प्रकार बताए, जिनमें दुर्विद, अतिविद, कुच्छित, पिच्छित आदि वेद की गलती से होने वाले वेद बताए। ये दुर्विद क्या है, एक तरीके से वैद्य की गलती है, जो डॉक्टर था ना उसकी गलती रहती है इसमें। किस तरीके से, कि भाई ठीक तरीके से नहीं किया आपने उसको, मतलब जैसे तरीके से आपको मतलब पंचरिंग करनी थी जिस तरीके से नहीं किया, बेकार। दुर्विद यानी एक तरीके से लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही, ये डॉक्टर की लापरवाही है। इसमें क्या होता है, तेल की बूंदों के समान रक्त निकलता, एक तरीके से बेकार। यहाँ तो क्या लगे, धारा के रूप में, यह क्या है, तेल की बूंद, बूंद कैसी होती है, एकदम गोल गोल बूंद, तो मतलब कभी रुका, कभी बूंद निकली, फिर कभी रुका, फिर आ रहा है, फिर रुक रहा है, ऐसे करके, मतलब उसका जो पंचरिंग करने का तरीका था ना, वो बेकार है, बिल्कुल उसको कोई अनुभव नहीं है, उस वैद्य को उसको कोई नॉलेज नहीं है, मतलब इस तरीके से वैद्य की लापरवाही है। अतिवृद्ध, देखो रक्त शब्द के साथ बहता है, कठिनाई से बंद होता है, कि रक्त शब्द के साथ बहता है। कहने का मीनिंग है कि अगर ज़्यादा पंचरिंग कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा, तो शब्द के साथ आवाज़ करते हुए, मतलब बोलते ना कि पानी जब तेज होता है तो कलकल की आवाज़ आती है ना, कि एकदम कलकल की आवाज़, बहुत तेज आवाज़ है, पानी बह रहा, उसी तरीके से रक्त अगर बहुत ज़्यादा निकलेगा तो क्या कि आवाज़ के साथ बहता है और खटनाई से बंद होता है, रुकेगा ही नहीं। ये बात ध्यान रखना कि खटनाई से बंद होगा। अशुद्ध रक्त आसानी से जमता नहीं है, दोष अनुसार लक्षण होते हैं, और शुद्ध रक्त सम्यक निकलने पर स्वयं रुक जाता है, फिर स्वयं ना निकले। कहने का मीनिंग ये कि अगर मान लो अशुद्ध रक्त है तो वो आसानी से जमता नहीं, आप चेक करते रहो भाई जम रहा है कि नहीं जम रहा, अगर मान लो शुद्ध रक्त आने लग गया तो सम्यक निकलने पर स्वयं रुक जाए। कहने का मिलेगा कि सम्यक निकलने पर, एक तरीके से गंदगी पूरी निकल गई तो ऑटोमेटिक रुक जाना चाहिए, अपने यंत्र को हटाया ऑटोमेटिक जाम हो जाएगा एक तरीके से, या फिर स्वयं ना निकले, आप उसको बस निकालोगे ना दबा के, या फिर उस पर पट्टी बांध के तभी निकलेगा बाहर, नहीं तो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त लास्ट में बताया कि आपको कैसे पता लगेगा कि शुद्ध आने वाला है अशुद्ध आने वाला है, कि अशुद्धि आ रहा है कि शुद्ध आएगा, तो शुद्ध रक्त सम्यक निकलने पर स्वयं रुक जाए, मतलब जितना शुद्ध निकलना था ना उतना निकल जाएगा बाहर, वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा जैसे आपने यंत्र हटाया, और फिर स्वयं ना निकले, मतलब एक तरीके से आपको फिर दबाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ही बाहरी उपकरण की सहायता से निकलेगा, नहीं तो शुद्ध रक्त बाहर नहीं निकलता।
अब करेंगे अपन शिरा वेदन के बाद कर्तव्य, कहने का मतलब कि पश्चात क्रम में ये सब हो गया, अपन ने देख लिया भाई अल्पवेद में क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से भाई अगर मान लो कॉम्प्लिकेशन हो गया तो क्या क्या करेंगे। अभी आज की क्लास इतनी करेंगे क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये बंद हो जाएगी थोड़ी देर में, पता नहीं क्यों ये बता रहा है, तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी फिर बच्चों को परेशानी होगी, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को, तो इसलिए अपन करेंगे शिरावेदन के बाद करते हैं कल से करेंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन भी कर लेंगे इस चैप्टर के, और अगला चैप्टर भी हो सके तो पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल मतलब 1.5 घंटे क्लास कर लेंगे तो अगला चैप्टर पूरा हो जाएगा, 2800 चैप्टर भी कल मिलते हैं। शिरावेदन के बाद करते हैं मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।